और आप सभी को मेरा प्यार बड़ा प्रणाम। आपका मैं स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर, जिसका हाल फिलहाल में मैंने अपने चैनल का नाम चेंज किया है। जो पहले सैम अंसारी शिटयार के नाम से था, वो अब वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर के नाम से है, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर सैम के नाम से। और दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे, एक ऐसे रेस्क्यू की बात करेंगे जो रेस्क्यू काफ़ी ख़तरनाक और काफ़ी कम ही देखने को मिलता है, किसी किसी के पास वो रेस्क्यू देखने को मिलता है। तो आप देखते हैं, ये एक रामगंगा रिवर है, जहाँ पर जो काफ़ी मशहूर है रामगंगा रिवर, जो कॉर्बेट के बीचों बीच में बहती है रामगंगा रिवर। और जो आप ये साइड देख रहे हैं, ये सीटीआर में आता है, सीटीआर फॉरेस्ट में ही, जो आप पुल के उधर का देख रहे हैं, ये सीटीआर के फॉरेस्ट में आता है। और हम बात करें इधर सोना नदी रेंज की, तो ये रामगंगा नदी है। और आप देख रहे हैं पुल के इधर जो ये जगह है, एरिया है, ये सोना नदी रेंज में आता है। ये जंगल सीटीआर का है और ये जंगल केटीआर का है, तो ये बॉर्डर पे है इस समय हम लोग, सीटीआर के और केटीआर के बॉर्डर में। तो ये केटीआर है इधर, इधर सीटीआर है। और ये जो रामगंगा रिवर है, ये कॉर्बेट के मैन हट जो पार्ट है निकाला, ये उसका है, ये वहाँ से बहती भी आ रही है। तो दोस्तों, ये वही रामगंगा रिवर है जो आगे जाकर के गांवों में होती हुई कहीं से कहीं जा रही है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पानी लेने के लिए, कि कुछ लोगों ने अब मछली पालन किया हुआ है, तो इसमें से पानी की आप एक तरह से चोरी कह सकते हैं कि चोरी करते हैं, या फिर नदियों में से, नहरों में से इसको काट लेते हैं। तो उसी के ही उसमें चलते उनका एक मछली पालन था और उन्होंने ये पानी निकाला हुआ, तो लगभग ज़्यादा बड़ा नहीं, 5 फुट का एक क्रोकोडाइल, बेबी क्रोकोडाइल उनके मछली पालन में पहुंच गया और उसने उनकी काफ़ी सारी मछलियां खा ली और उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ। और उन्हें किसी ने बताया मेरे बारे में, वहां पर कोई वीडियो देखा करते थे तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। तो वो दिसंबर का महीना था। तो हम लोग यहां से रात में पहुँचे थे, तो मेरी जो शुरुआती क्लिप थी उसे रेस्क्यू करने की, कि किस तरीके से हमने उसको रेस्क्यू किया, वो तो थोड़ी सी मिस हो गई थी। लेकिन जो जब मैंने रेस्क्यू कर लिया था, तो उसका क्लिप है वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि हाँ, जब हमारा वो क्रोकोडाइल रेस्क्यू हुआ था तो कितना अच्छा शानदार रेस्क्यू था। और कितना क्रोकोडाइल रेस्क्यू में इसलिए आपको खतरनाक बता रहा हूँ, क्योंकि उसकी जो जबड़े की बनावट होती है, ऊपर वाले उसे बनावट ऐसी दी हुई है कि वो आपको, जैसे हालांकि जब हम सांप को रेस्क्यू करते हैं तो सांप बाइट करके भाग जाता है, काट लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्रोकोडाइल का एक सीन ये होता है कि अगर वो जहाँ से आपको उसने पकड़ लिया, तो वो उस हिस्से को जब से आपके शरीर से अलग नहीं कर लेंगे, वो आपको छोड़ नहीं सकता, या फिर कोई छोटी चीज़ है, शिकार है, तो निकल लेगा वो। जब वो आपका पकड़ते हैं अपने शिकार को, तो जबड़े के बनावट की वजह से जब वो रोल करते हैं, तो वो उस हिस्से को लेकर शरीर से अलग हो जाते हैं और खा लेते हैं। तो हमने बड़े सावधानी बरतते हुए उसको रेस्क्यू किया। और हालांकि मैंने तो जो वहां का वन विभाग के लोग थे, मैंने रेस्क्यू करके उनको सौंप दिया। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं उसकी वीडियो, जब हमने भरी सर्दियों में उसका रेस्क्यू किया था, वो 8 दिसंबर का रेस्क्यू है मेरा। चलिए आप देखिए वो वीडियो मेरी। हो गया ना, कुछ नहीं है, परेशानी यार। राज ने काम यार यही है मेरा, मैं काला करता हूँ, जैसे इससे दिक्कत नहीं होगी ना। एक मिनट, कहाँ चांदी का है? ना, नाक पे चाटा देते, नाक पे ना लगा। अब हो गया था इस साल,
तुमने तो नन्हे से जाने इतना पसंद कर ये खोल लो हटो 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 एक मिनट ये वाली रस्सी मत काट दियो ना ना वो खोल लो खोल ये टांगों में बंद रही ना रस्सी प्यारी हो रही तुम्हें हटो हटो मैं कर लूंगा हाँ गाड़ी है चार पहिया गाड़ी मंगाई इसे रखो ना कट्टे में डाल दो कट्टे में डाल दो लाओ अरे मैं गाड़ी में डाल रहा डायरेक्ट हाँ हाँ अरे ना ऐसे डालो ना गाड़ी में भैया गाड़ी में पंजे हटाओ यहाँ तो पंजे कट्टा लो ये तो दिक्कत है लगे तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार दें और आगे भी प्यार देते रहें। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।